196 का गुणनखंड कैसे करते हैं अभी हम सीखेंगे। तो आपको पता है गुणनखंड का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को अपनी अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना। अभाज्य संख्याएं कौन सी रहती है, 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्याएं। देखिए गणित यदि बेसिक से सीखें तो गणित आपके लिए आसान हो जाएगी। इसमें हम 2 से भाग करते हैं, भाग गया कितना, 9 बार और 8 बार। किसी को भाग देने में समस्या है तो यहाँ साइड में लिख के भाग दे सकता है। 9 × 2 = 18 घटाया 1 आ गया, ऊपर से 1 अंक नीचे ले आते हैं, 8 × 2 = 16, फिर घटाया 0 आ गया, कितनी बार गया, 98 बार, यहाँ लिख दिया। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या, यस, कितना, 4 बार, और 9 × 2 = 18। फिर इसमें 7 का भाग जा रहा है कितनी बार, 7 बार, 7 में 7 का भाग आपका 1 बार। तो 196 के गुणनखंड क्या आ गए आपके, 2 × 2 × 7 × 7, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 बार है इसका घात 2, 7 2 बार है इसका घात 2, इसको आप ऐसे घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं।